आनंद से क्रूस का दुख सहा, शर्मिंदगी की कुछ परवाना की, परवाना की। आंसू बहाने वाले यीशु को, आंसू बहाने वाले यीशु को, तकते रहे, तकते रहे, तकते रहे, तकते रहे। ईमान के बानी यीशु मसीह को, ईमान के बानी यीशु मसीह को, तकते रहे, तकते रहे, तकते रहे, तकते रहे। ईमान के बानी यीशु मसीह को, ईमान के बानी यीशु मसीह को, बाहें पसारे यीशु पुकारे, बाहें पसारे यीशु पुकारे, छोड़ दिया क्यों बाप प्यारे, बाप प्यारे, छोड़ दिया क्यों बाप प्यारे, बाप प्यारे। फिदिया देने वाले यीशु को, फिदिया देने वाले यीशु को, तकते रहे, तकते रहे। ईमान के बानी यीशु मसीह को, ईमान के बानी यीशु मसीह को, तकते रहे, तकते रहे। कामिल करने वाले यीशु को, कामिल करने वाले, धन्यवाद 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 हो प्रभु आपका, धन्यवाद धन्यवाद। पास्टर चंद्र जी दुआ करें। पुकार दे कदावन ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸਮਸਤ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਚੁਕਾਈ ਬਹਾਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਈਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਬਣਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਗੁਣ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕੱਜਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਯੇਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਹੁਣੇ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਮਾਮ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਲਲੂਯਾ ਯੇਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਯੇਸ਼ੂ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਕੱਜਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮਦਦ ਕਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ब्रदर सनी क्रिस्टन आपका नाम है? जय मसीह की। आप कहाँ रहते हैं ब्रदर? पास्टर अमृतसर दे विच। ओके, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी भाई सनी क्रिस्टन के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका लहू भाई के ऊपर छिड़कते हैं, आपकी आशीष को खोलते हैं प्रभु, इनके जीवन में आपका आत्मा काम करे और इस भाई का जीवन आपके लिए पवित्र किया जाए, अलग किया जाए, और इसके जीवन में आपके वचन की ज्योति जगे। प्रभु मैं आपकी आशीष को प्रभु फसा के पर्व पे इस भाई के ऊपर खोलता हूँ, यीशु मसीह के जलाल नाम में, आमीन। हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु जी मैं सुरेश जी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो ऑनलाइन थे हिमाचल से। सुरेश कुमार पे आपका लहू छिड़कता हूँ प्रभु, आपकी आशीष के साथ सुरेश कुमार के जीवन को बांधता हूँ। हालेलुया, आपकी आशीष हो इनके जीवन पे, इनका जीवन प्रभु अपने लिए इस्तेमाल करें। हिमाचल के पहाड़ों में प्रभु जहाँ आपके वचन की ज्योति नहीं है, वहां पे प्रभु इनके द्वारा आपके वचन की ज्योति फैलने पाए। कृपा करें ऐसी प्रभु, ऐसा अनुग्रह करें। हालेलुया, 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 आपका धन्यवाद प्रभु, आपके जलाली नाम की महिमा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। साजन हंस भाई आपको यीशु मसीह आशीष दे। आप बहरीन में, कुवैत में है ना? दोहा में। तो ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करेंगे, इनका परिवार है डेरा बाबा नानक में, इनके घराने के लिए, इनके विशेषकर इनके सभी भाइयों के लिए प्रार्थना। प्रभु इस भाई को आशीषित करना, इसे अपना दास बनाना, विदेश में इसे खड़ा करना, बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझ देना, अपने मार्गों का भेद देना, यहोवा के भय का आत्मा देना। इसके पूरे परिवार घराने पे भी तेरा लहू हम छिड़कते हैं प्रभु, तेरा पवित्र खून छिड़कते हैं इसके पूरे परिवार घराने पे। आशीष के साथ प्रभु इन्हें बांधना, अपनी बरकत के साथ बांधना, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। जय मसीह की, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से हम सुबह दो सेशन किए हैं, हम परमेश्वर के पर्वों के बारे में सीख रहे हैं। आज फसा का पर्व है और आज का दिन बहुत ही कीमती, बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्रिय दिन है। हालेलुया, ये दिन हमें कहां से जोड़ता है? ये दिन हमें जोड़ता है 12 अध्याय, मैंने आपको पढ़ने के लिए सुबह बोला था, निर्गमन का 12 अध्याय। सुनिए, जब इसराइली प्रजा मिस्र में गुलाम है तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु ने 9 प्लेग भेजी हैं, मिस्र को हिला दिया, मिस्र के देवी देवताओं का यहोवा परमेश्वर ने न्याय किया है, और अब प्रभु अपनी प्रजा को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने जा रहा है। तो प्रभु मूसा से क्या कहता है? फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। ये जो महीना है, ये है पहला महीना, 2 अप्रैल से ये महीना शुरू हो गया। हालेलुया, आज इसका 14वां दिन है। तो प्रभु ने क्या कहा? ये महीना तुम लोगों के आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। ये अबीब का महीना है,
इसराइल की सहरी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के दसवें दिन तुम अपने पितरों के घराने के अनुसार अपने पीछे एक मेमना ले रखो। दसवें दिन, इस महीने के दसवें दिन वो मेमना तुम्हारे घर में आना चाहिए। यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठ के जकरिया नबी की नबूवत को पूरा करता हुआ, क्योंकि जकरिया नबी ने कहा था, देख इसराइल, तेरा मोक्षदाता, तेरा मसीहा दीन होके, तेरा राजा दीन होके बल्कि गधी के बच्चे पे सवार होके आता है। और इसराइल ने उसे ग्रहण किया, अपने घरों में ले लिया, उन्होंने अपने वस्त्र उतार के रखे, होशाना होशाना के नारे लगाए। दसवें दिन उस मेमने को ले लेना। और आगे प्रभु क्या कहता है, पांच वचन में, तुम्हारा मेमना निर्दोष एक वर्ष का नर हो, उसे चाहे भेड़ों से लेना चाहे बकरियों में से, इस महीने के चौदहवें दिन तक उसे रख छोड़ना। ये जो अबीब का महीना है, इसके चौदहवें दिन तक उस मेमने को रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। वो मेमने को चौदहवें दिन, आज चौदहवीं का चांद है आकाश में, नासा की वेबसाइट पे जाएं, कल 7:55 पे पूरे शबाब पे चांद होगा। प्रभु यीशु मसीह को इस रात्रि उसके एक खास चेले ने, जिसे प्रभु ने अपने संग रखा 3.5 साल, जिसे अभिषेक किया, जिसे दुष्ट आत्माओं को निकालने का, रोगियों को चंगा करने का अधिकार दिया, उसी चेले ने अपने प्रिय स्वामी को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। हालेलुया, ये उसके विश्वासघात की रात है। इस रात को प्रभु बड़ी हृदय की इच्छा से चाहता था, वो मत्ती और लूका रचित सुसमाचारों को अंतिम अध्यायों में कहता है, मेरी बड़ी इच्छा है कि ये खाना मैं तुम्हारे साथ खाऊं, फसा का खाना। ये फसा क्या है? प्रभु ने कहा उस मेमने का वध करना, उसका खून अपने घर की चौखट पे यूं लगाना, ताब का चिन्ह बना के। बांध के रखना। और प्रभु यहोवा क्या कहता है? अखमीरी रोटी खाना, अखमीरी पाप से रहित और मिलावटी शिक्षा से रहित। खमीर फरीसियों की मिलावटी शिक्षा है और कौड़ा सागपात, ये कड़वा सागपात फिराउन की याद दिलाता है, फिराउन के टास्क मास्टर की, जो हंटर मारते थे और इसराइलियों से काम करवाते थे, मिस्र की गुलामी, मिस्र की दास्तान, मिस्र की भूख, मिस्र के शोषण का याद कराएगा कड़वा सागपात। कमर बांध के पूरा मेमना खाना। प्रभु ने एक बड़ी अजीब आज्ञा दी, उसके बाद कभी नहीं दी ये आज्ञा, पूरा मेमना खाना, ईट द होल लैम, उसके अंदरूनी सारे अंग खाना। मालूम आपको प्रभु ने क्यों कहा ये करने के लिए? वो मेमना खाके, पूरे का पूरा मेमना खाके इसराइली लोगों का पूरा शरीर सुपर नेचुरली चंगा हो गया। मिस्र में 400 साल गुलामी काटने वाले गुलामों को जब परमेश्वर ने मेमने के लहू के द्वारा छुड़ाया, एक बड़ी भीड़, बहुत से बाइबल के विद्वान मानते हैं 2.5 मिलियन से 3 मिलियन के करीब थे वो लोग, 6 लाख से ज्यादा तो पुरुष थे, कुल मिला के 25 लाख से 30 लाख के बीच, इतनी बड़ी प्रजा को छुड़ाया। वो उनको माल न्यूट्रिशन का शिकार थे, उन्हें पौष्टिक खाना नहीं मिलता था, उनके शरीर तंदुरुस्त नहीं थे, वो हाइजीनिक कंडीशन में जीते नहीं थे, साफ सफाई नहीं थी वहां पे, उनके अंदर बहुत सी बीमारियां थी, वो प्रताड़ित किए जाते थे फिराउन के जो ऑफिसर थे उनके द्वारा, मानसिक तौर पे तनाव में थे, शारीरिक रोगों में थे, और बहुत बुरा हाल था इसराइली लोगों का। तो प्रभु जो मेमना खाते हैं वो मेमना उन्हें पूरी तरह मुकम्मल तौर पर चंगा कर देता है, और उस मेमने के लहू के द्वारा वो छुट जाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यहोवा क्या कह रहा है? प्रभु यहोवा मूसा से कह रहा है, ये पहला पर्व है
मैंने आपको दिन में बताया था, ये है सात पर्व यहोवा के, फसा अखमीरी रोटी, पहला फल पंतेकुस, तुरियों का पर्व, प्राश्चित का दिन, झोपड़ियों का पर्व। ये यहोवा का कैलेंडर है, ये है यहोवा का कैलेंडर। आपको मालूम प्रभु यहोवा ने क्या कहा इसराइलियों को, अभी वो मरुभूमि में चल रहे थे, तो प्रभु यहोवा क्या कहता है लेवी व्यवस्था में, लेवी व्यवस्था का 23 अध्याय उसका पहला वचन और चौथा वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, लेवी व्यवस्था 23 का 1। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनको जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वह पर्व ये हैं। प्रभु यहोवा मूसा को आदेश देता है कि मेरे त्योहार, मेरे पर्व, मेरे फेस्टिवल, मेरे ठहराए गए पवित्र समय, मैंने जो समय अलग किए हुए हैं साल के कैलेंडर में, जो तिथियां पवित्र ठहराई हैं, मैंने जो दिन पवित्र ठहराए हैं, चौथा वचन, फिर यहोवा के पर्व जिनमें एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा। प्रभु के पर्व हैं, फेस्टिवल हैं, कन्वेंशंस हैं, कन्वोकेशंस हैं। प्रभु कहता मेरे पर्व हैं, मेरी पवित्र सभाएं हैं, मेरी होली कन्वेंशंस हैं, ये यहूदियों के पर्व नहीं है। आपको मालूम इस बाइबल में गुड फ्राइडे नहीं है, कहीं ईस्टर नहीं है, क्रिसमस नहीं है, फिर भी चर्च मनाती है। इसके अंदर ये पर्व है लेकिन मनाते नहीं है, क्यों? क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च ने 3री सदी में जो निसियन क्रीड कॉन्स्टेंटाइन ने बनाई, रोमन कैथोलिक चर्च ने सारे पर्व निकाल दिए और अन्य जातियों के पर्व बाइबल के अंदर डाल दिए। आपको मालूम दानियल नबी की पुस्तक में क्या लिखा है? दानियल नबी की पुस्तक में दानियल भविष्यवाणी लिखता है कि जब शैतान आएगा, शैतान का आत्मा, वो परमेश्वर के पवित्र दिनों को, परमेश्वर के पवित्र पर्वों को, परमेश्वर की ठहराई डेट्स को, समयों को बदल देगा। प्रभु यीशु मसीह सारे पर्व मनाता था। आज मैंने जो पहले सेशन किया उसमें मैंने आपको लगभग 10-12 रेफरेंस दिए कि प्रेरित सारे पर्वों को मनाते थे और वो ये पर्व मनाते थे, फसा अखमीरी रोटी, पहला फल पंतेकुस, तुरियों का पर्व, यौम किपुरीम, यौम किपुरुत, प्राश्चित का दिन, सुकोत, झोपड़ियों का पर्व। वो गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस नहीं मनाते थे, समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर के पर्व हटा दिए गए। प्रभु कहता है ये मेरे पर्व हैं, ये मेरी पवित्र सभाएं हैं, ये मेरे पवित्र मेले हैं, ये ठहराए ऋतु हैं, ऋतु, ये मुकर्रर किए गए सीजन है, ये वो पवित्र समय है जब मैं स्वर्ग से उतरूंगा अपने लोगों के बीच में, ये वो समय है जब स्वर्ग के फाटक खुलेंगे, ये सात पर्वों पे स्वर्ग के फाटक खुलते हैं। परमेश्वर ने फसा के दिन फसा के मेमने को कुर्बान होने के लिए भेजा यीशु मसीह को, वो अखमीरी रोटी है, उसने रोटी तोड़ी, प्रभु भोज किया, रोटी तोड़ी, चेलों को दी, कहा मेरी देह तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ब्यारी के बाद कटोरा लेके कहा नई वाचा का मेरा लहू जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। उसने फसा का खाना अपने चेलों के संग सेलिब्रेट किया, अखमीरी रोटी, वो पहला फल बना मुर्दों में से जी उठ के। आपको मालूम जो पहली कटनी काटते थे इसराइली लोग, वो पूला लेके प्रभु के भवन में आते थे, परमेश्वर का हाई प्रीस्ट गडोल, कहां कोहेन गडोल महायाजक, उसे ऐसे करके यहोवा के आगे हिलाता था, हिलाने वाली भेंट करके यहोवा को अर्पण करता था। ये सब पर्व ये पूरा कर दिया फसा, अखमीरी रोटी पूरी कर दी यीशु मसीह ने, पहला फल पूरा कर दिया यीशु मसीह ने, पंतेकुस भी पूरा कर दिया, अब अगला तुरियों का पर्व है। इस पर्व पे कलीसिया उठाई जाएगी, तुरियों के पर्व पे लिखा प्रधान दूत तुरी फूकेगा, प्रभु ललकार के साथ उतरेगा, जो मुर्दे प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं अविनाशी दशा में जी उठेंगे, हम जो जीवित हैं हमारे शरीर बदल जाएंगे,
तुरियों के पर्व के विषय में क्या है खासियत? इसमें ये जो ये पर्व है फसा का और जो ये पर्व है सुकोत का, झोपड़ियों का, ये तब होता है जब चांद पूरा हो, चौदहवीं का चांद हो। लेकिन ये जो पर्व है पांचवा पर्व, जिसे तुरियों का पर्व कहते हैं, इसे रोशाना भी कहते हैं, योम तिरुआ बोलते हैं हिब्रू में, तुरी का पर्व, ये जो ऐसे बड़ी तुरियां होती है ऐसे, ऐसे तुरी बजाई जाती है, याजक तुरियां फूकते हैं, यही तुरी मिकाएल फरिश्ता फूकेगा। तो ये तुरियों के पर्व की खासियत क्या है? ये एक ऐसा पर्व है, ये तब मनाया जाता है जब पहला चांद निकलता है, जब अमावस्या होती है, चांद काला हो जाता है, छिप जाता है, सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती चांद पे, उसके अगले दिन चांद इतना सा निकलता है, नखून जितना, वो कई बार दिखाई नहीं देता। तो महायाजक पहाड़ पे जाता है, मोरिया पहाड़ पे, उस पहाड़ से आकाश को देखता है कि चांद निकला या नहीं। मान लो उस दिन बादल हो, वो तुरी लेके जाता है तुरी फूकने के लिए, पर्व मनाया जाए, अगर चांद ना दिखाई दे तो वो तुरी नहीं फूकता, वो फिर दूसरी रात को जाता है, अगर चांद फिर दिखाई ना दे तो वो फिर तुरी नहीं फूकता, जब चांद निकलता है तो तुरी। इसलिए यीशु कहते हैं उस घड़ी को, उस समय को कोई नहीं जानता। पर क्या लिखा है पहला तिस्लुनीकियों के 5 अध्याय में, प्रेरित पौलुस कहता है तुम उस घड़ी से अनजान नहीं हो, तुम अंधेरे की संतान नहीं हो, तुम ज्योति की संतान हो। प्रभु तो चोर की मानिंद आएगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं आएगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के समयों को जानते हो। तो ये पवित्र सभाएं पर्व, ये परमेश्वर की ऋतु है, परमेश्वर के पवित्र मेले, परमेश्वर की पवित्र कन्वेंशन, परमेश्वर की पवित्र सभाएं, ये परमेश्वर का कैलेंडर है। इनका कनेक्शन चांद सूरज और तारों के साथ है, इनका संबंध। ये हमें बताते हैं सीजन, कौन सी ऋतु आ गई, कौन सा सीजन आ गया, अब प्रभु यहोवा क्या करने जा रहा है, अब प्रभु यहोवा क्या करने जा रहा है। वो जो कुछ करता है इन पर्वों पे करता है, इनके बाहर वो कुछ नहीं करता। तो अब मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं, पढ़िए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति का पहला अध्याय, और उसका आपको देता हूं 14 वचन, सुनिए। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों। आकाश के अंदर एक अंतर है, दूसरे स्वर्ग और तीसरे स्वर्ग के बीच में एक अंतर है, जिसे अंतर लिखा है, अंग्रेजी में लिखा गया फर्मामेंट, लेकिन हिब्रू में लिखा गया रकिया। रकिया वो जगह है जहां पे पहले पानी थे, जैसे समुद्रों में नीचे पानी है ऐसे आकाश में पानी था, नूह की जल प्रलय के समय वो सारा पानी जमीन पे आ गया। हालेलुया, अब ऊपर पानी नहीं है, पहले वो पानी का जो गलियारा था ओजोन की लेयर की तरह था, सूर्य की किरणें पानी में से होकर नीचे आती थी, इसलिए पृथ्वी के ऊपर एयर प्रेशर 10,000 गुना ज्यादा था, पृथ्वी पे कई हजार गुना ज्यादा ऑक्सीजन थी, इसलिए लोग 969 साल तक जिंदा रह लेते थे, 800 साल 900 साल उम्र होती थी, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा थी उस समय। जब वो गलियारा नूह के जल प्रलय के बाद टूट गया, लोगों की उम्र कम हो गई, नूह के जल प्रलय के बाद लोगों की उम्र घटनी शुरू हो गई, क्योंकि अब पृथ्वी पे एयर प्रेशर कम है, तो चांद तारों को सूर्य को लोग देखते थे, पानी का गलियारा लेंस का काम करता था, मैग्नीफाइंग लेंस का, तो वो इन्हें देखते थे ऊपर से। हालेलुया, तो प्रभु क्या कहता है, प्रभु कहता है ज्योतियां, एक बड़ी ज्योति एक छोटी ज्योति, छोटी ज्योति चांद, बड़ी ज्योति सूर्य, हालांकि चांद की अपनी रोशनी नहीं है, चांद सूर्य की रोशनी से चमकता है। और आपका मालूम चांद की उपमा, सूर्य की उपमा किससे की गई है, सूर्य की उपमा यीशु मसीह से की गई है, वचन में लिखा है सूर्य दूल्हे की तरह,
एक छोर से निकलता है दूसरे छोर की ओर जाता है, हर्ष से अपनी दौड़ पूरी करता है, आनंद से। दूल्हा कौन है बाइबल में? खुदावंद यीशु मसीह। और चांद कौन है? चांद है कलीसिया, यीशु मसीह की दुल्हन आप और मैं। हमारा अपना कोई तेज नहीं है, हमारी अपनी कोई रोशनी नहीं है, हमारा अपना कोई नूर नहीं है, यीशु मसीह के तेज से हम चमकते हैं। यीशु मसीह हमारे ऊपर चमकता है तब हम यीशु मसीह की रोशनी से चमकते हैं। तो ये दो ज्योतियां प्रभु ने बनाई। और सुने जो मैं आपको भेद देना चाहता हूं, रात को दिन से अलग करने के लिए। और क्या इनका काम है? रात को दिन से अलग करना है, रोशनी देना है, गर्मी देना है। लेकिन असली काम क्या है? ये वह चिन्हों चिन्हों नियत समयों और दिनों और वर्ष के कारण। चिन्ह और ऋतु, चार शब्द हैं यहाँ पे, मैं एक ही शब्द पे अभी मनन करूंगा। ऋतु सीजन, वो सीजन बनाएंगे चांद और सूर्य की मूवमेंट। सीजन कौन से? क्या शब्द है सीजन के लिए यहाँ पे? यहाँ पे सीजन के लिए हिब्रू वर्ड है मोएड, 4150 वर्ड नंबर है, H4150 मोएड, मोआडीम। आपको मालूम मोएड मोआडीम का मतलब क्या है? परमेश्वर की ठहराई गई ऋतु, परमेश्वर के कैलेंडर पे मार्क किया गया समय, परमेश्वर का वो खास समय जब स्वर्ग की खिड़की खुलेगी बरकत के लिए, अभिषेक के लिए, मसा के लिए, परमेश्वर अपनी योजना बताने के लिए, परमेश्वर अपनी हजूरी देने के लिए अपने लोगों के बीच में आएगा। वो है ये पर्व, वो है ये ऋतु जो सूर्य और चांद बनाएगा। और आपको मालूम, मैंने आपको वचन दिया लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में, प्रभु कहता है ये मेरे पर्व हैं, ये मेरे पवित्र मेले हैं, ये मेरी पवित्र सभाएं हैं, तुमने लोगों ने इकट्ठे होके नहीं मनाना है ये सात पर्व। पर्व के लिए क्या शब्द है वहां पे हिब्रू में? मोएड, H4150। जो शब्द ऋतु के लिए है, जो शब्द सीजन के लिए है, जो शब्द समयों के लिए है, जो शब्द परमेश्वर के खास समय के लिए जब वो स्वर्ग के फाटक खोलेगा उत्पत्ति 1:14 में, वही शब्द है लेवी व्यवस्था 23:2-4 में। तो ये पर्व जो परमेश्वर के हैं, ये विशेष समय है जब प्रभु आपकी सुनेगा, जब प्रभु आपको स्मरण करेगा, जब प्रभु आपकी ओर दृष्टि करेगा। तो ये पर्व रोमन कैथोलिक चर्च ने निसियन क्रीड के बाद कॉन्स्टेंटाइन राजा ने कलीसिया से हटा दिए। पहली कलीसिया प्रेरित जो थे ये पर्व मनाते थे, प्रेरितों के बाद प्रेरितों के चेले पर्व मनाते थे, लेकिन तीसरी सदी के बाद ये खत्म कर दिए रोमन कैथोलिक चर्च ने। अभी लोग मनाते हैं वो पर्व जो यहोवा के नहीं है। गुड फ्राइडे ईस्टर क्रिसमस यहोवा का पर्व नहीं है। सुन लीजिए, यहोवा के पर्व आपको पता लगेंगे, आपको पता लगेगी कौन सी ऋतु में, कौन से सीजन में, कौन सी घड़ी में यहोवा आपको जवाब देगा। प्रभु कौन सी घड़ी में पृथ्वी पे काम करेगा, ये ऋतु है भाई और बहनों। तो हम उपवास के संग बैठे हैं प्रभु के आगे इस ऋतु में कि प्रभु हमारी ओर दृष्टि करे, कि प्रभु हमें स्मरण करे, कि प्रभु हमें अपनी ओर खींचे, कि प्रभु हम पे दयावान हो और प्रभु हमें अपने पास आने का बहुमूल्य अवसर दे। हम प्रभु के चरणों में जाके बैठे, प्रभु की आराधना स्तुति परस्तिश भक्ति बंदगी करने, एक नया अभिषेक हमारे ऊपर उतरे और स्वर्ग के फाटक खुल जाएं, सारे बंद दरवाजे खुले, सारे बंधन टूट जाएं, सब रोग बीमारियां शिदम हो जाएं, हर रुकी प्रार्थना का जवाब स्वर्ग से आ जाए, हर बंधन टूट जाए। ये वो घड़ियां हैं। तो ये उपवासों के दिन मत खोइए भाई और बहनों, उपवास रख के जुड़िए और प्रार्थना कीजिए मेरे साथ मिलके। हालेलुया। प्रभु जी, मैं जितने लोग इस समय ऑनलाइन हैं, सृष्टि सेठ को, पास्टर चंद्र मोहन को, तारा बंसल को, मीनू सूद को, मनीषा सिंगी और उनके घराने को, लीना डेविडसन को, तनुजा सेठ उनके परिवार को, पलूस खोकर भाई को, सुरेश कुमार को, साजन हंस, सनी क्रिस्टन और प्रभु लखविंदर पास्टर जी, सुरेश कुमार, रेणु बाला, बहादुर सिंह काश और प्रभु जी
तारा बंसल उनका घराना, बिनाया संदीप इमैनुअल, और प्रभु साबी और उनका परिवार, सतविंदर सिंह जो यूरोप से हमारे संग जुड़े, उनके घराने को, अजय सूरी भाई को, बहादुर सिंह आकाश को, रीना खान उनके परिवार घराने को, बॉबी आर्ट उनके घराने को, हालेलुया, रेणु सिंह दिल्ली से सिस्टर उनके घराने, खास करके पवन उनके भाई को प्रभु जी आपके आगे लाते हैं, निशान सिंह साबू को आपके आगे लाते हैं, निशान सिंह साबू पे आपका लहू छिड़कते हैं, सन्नी भट्टी पे आपका लहू छिड़कते हैं, जॉन मसीह पे आपका लहू छिड़कते हैं। खुदावंद आपकी आशीष हो प्रभु, मुझे मेरे घराने को स्मरण करना प्रभु, इन दिनों में हमारी और दृष्टि करना, हमारे अधर्म को धोना, हमारे अपराधों पापों को धो देना यीशु मसीह के लहू से, हमें आपके चरणों में आने का सौभाग्य देना, आपके नजदीक आपके कदमों से लिपट के बैठने का, आपकी परस्तिश का नया मसा हमारे पर मिलना प्रभु जी। जो प्रार्थना की विनती आपके आगे डाली है, जो काम हमारा लगा हुआ किसी जगह प्रभु जी, उसके लिए स्वर्ग से मार्ग खोल देना, आश्चर्य कर्म करना प्रभु यीशु। मंगल थापा भाई को उनके घराने को आपके आगे लाते हैं प्रभु जी, आपकी आशीष खोलते हैं, हालेलुया, आपकी बरकत आके प्रभु जी आपके लोगों पे ठहर जाए, यीशु के जलाली नाम में आमीन, हालेलुया। एक छोटी सी सभा फिर करेंगे हम, उसमें हम प्रभु भोज लेंगे, और एक झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच में अभी हम जाएंगे आधा घंटा के लिए, वहाँ थोड़ी आराधना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, सबको जय मसीह।